आपको म्यूज़िक के बारे में बताने जा रहे हैं, म्यूज़िक मतलब संगीत के बारे में बताने जा रहे हैं। और जैसे आप बाकी विषयों में बिल्कुल शुरुआत से चीज़ों को समझते हैं, वैसे ही म्यूज़िक में भी हम आप लोग को बिल्कुल शुरुआत से बताएंगे कि जो हमारा म्यूज़िक, गाने सुनते हैं आप लोग, सारे बच्चे गाने सुनते हैं, वेरी गुड। तो जो आप गाने सुनते हैं वो गाने कैसे बनते हैं, उन गानों को गाने के लिए जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, यानी जो हम, हमारा जो म्यूज़िक का ओरिजिन है, जहाँ से म्यूज़िक हमारा शुरू हुआ है, संगीत जहाँ से शुरू हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी आज हम आपको म्यूज़िक का जो है वो ABCD बताएंगे, म्यूज़िक का क ख ग घ बताएंगे, ठीक है। ये बीच में भैया बैठे हैं, इनका नाम है अमजद जी, ये आपके टीचर हैं, तो ये आज आपको बताएंगे कि म्यूज़िक की ABCD क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए एक बार ताली बजाएंगे, वेरी गुड। अब आप बोलिए, डिसेंडिंग नोट्स आएगा, अब वापस आएंगे हम लोग अवरों पे, सा नी दा बा, मा ग रे सा, वेरी गुड। शुक्रिया अमजद भाई, और आप लोग बस एक मिनट के लिए बैठिए ताकि अमजद जी लोग हटें और अगली हम वर्कशॉप शुरू करें, थोड़ा सा ये स्टेज खाली करें, क्योंकि अगली वर्कशॉप में आप लोगों को बहुत कुछ खेलने को मिलने वाला है। अभी सीखने को मिला, वहां खेलने को मिलेगा। चलिए ओके, मूव, वॉक कीजिए, वॉक कीजिए, पूरे स्टेज पे, थोड़ा दूर दूर चलिए, दूर दूर, एक दूसरे से दूर रहिए, थोड़ा सा बात नहीं करनी, बातचीत नहीं, साइलेंस, वॉक कीजिए साइलेंस में, थोड़ा वॉक, थोड़ा तेज वॉक कीजिए, तेज, थोड़ा तेज चलिए, साइलेंस साइलेंस, बात नहीं, ओके। नंबर फोर, चलते करते, हाँ, रोड, ओके, रोड, हाँ, आर्ट फॉर्म है, चाहे म्यूजिक है, पेंटिंग है, डांस है, थिएटर है, उसका सबसे पहला जो वो है कि हमको उसको इंजॉय करना है, उसको इंजॉयमेंट के साथ साथ लर्निंग जो है, हमारी जो सीख है वो हमको इंजॉयमेंट के साथ होनी चाहिए, इसीलिए ये सारे गेम्स और एक्टिविटी बने हुए हैं, उसको करना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग अब पूरा रखना, यही हमारा जीरो वेस्ट का मंत्र है। सही मायने में जो बेसिक्स थे, रागों के बेसिक्स थे, वो इनको जानने को मिले, और नुक्कड़ नाटक के ज़रिए इनको स्वच्छता का पूरा ज्ञान हुआ कि कैसे स्वच्छता रखनी चाहिए, किस कारणों से रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए और उनके क्या कारण है, वो बहुत ही अच्छा एक नुक्कड़ नाटक जो प्रस्तुत किया गया इन बच्चों के सामने, और इन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जानने को जानकारी मिली।